जो जिसे संपन्न करता है एक दिन उसको ही काटने को वो दौड़ता है। ये पुरानी रीति है। भगवान शंकर बड़े संकोच में पड़ गए कि मैंने इसको 1000 हाथ दिया, इसको नाम दिया, राज दिया, वीरता दी, धन दिया, ऐश्वर्य दिया, और ये मेरे से ही अब लड़ना चाहता है, सामना कर। से कहा, बाण मैं तुम्हारी 1000 भुजाओं का अभी ना अभिमान उतार देता, बोझ उतार देता, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, लोग हंसेंगे, भला बताओ ये कैसे भक्त और भगवान थे, आपस में ही लड़ गए, आपस में ही भिड़ गए भक्त भगवान, ये कैसे भगवान है, ऐसे भक्त भगवान होते हैं क्या? ऐसा सोच करके भगवान ने मना कर दिया, मैं तेरे साथ में लड़ाई नहीं लड़ने वाला, लेकिन हाँ जल्दी ही तेरी इन भुजाओं का भार उतारने वाला आ जाएगा, पैदा हो जाएगा, और तेरी इन 1000 भुजाओं को काट करके गाजर मूली की तरह इस तरह से रख देगा, इस तरह से कर देगा, इस तरह से बना देगा कि तेरे पास में वो उठाने लायक भार उठाने लायक कुछ नहीं रह जाएगा, बोझ उठाने लायक ही नहीं रह जाएगा। तू ध्यान रखना, तेरे दरवाजे के ऊपर जो झंडा लगा है, जिस दिन ये झंडा गिर जाए वो दिन समझ लेना अब जल्दी ही भुजाओं का भार हल्का होने वाला है। बाणासुर बड़ा प्रसन्न हुआ, आपकी अति कृपा हुई कि अब मेरे भुजाओं का बोझ हल्का हो जाएगा, अब भार उतर जाएगा। ऐसे मन में सोच करके चला गया, और वो समय आ गया, वो दिन भी आ गया जिस दिन भुजाओं का बोझ हल्का हो जाए, भार कम हो जाए। भगवान कृष्ण के प्रपोत्र को बंदी बना रखा था बाण ने, भगवान कृष्ण ने आक्रमण किया। जब कृष्ण लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए चढ़ाई किए बाण के यहां, तो इस युद्ध में हारने लगा तो बाण भगवान शंकर के पास गया, आप मेरे इष्ट हो, आप मेरे आराध्य देव हो, आप मेरी रक्षा करें, ये मुझे मार डालेंगे। आइए, स्वागत है विधायक जी। तो भगवान शिव को बाण की तरफ से लड़ाई करने के लिए आना पड़ा। देखिए जो मेन मकसद है, बाणासुर असुर है, भगवान शिव का भक्त है, इसलिए भगवान शिव को कृष्ण जी के खिलाफ युद्ध करने के लिए बाणासुर के साथ खड़ा होना पड़ा, लड़ाई करना पड़ा। भगवान कृष्ण ने कहा, प्रभु मैं तो धर्म की स्थापना के लिए लड़ रहा हूँ, न्याय के लिए लड़ रहा हूँ, और आप हैं कि आप अन्याय के लिए लड़ने चले आए। भगवान शिव ने कहा, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, तुम तो हमारे साथ लड़ाई लड़ो, अब इस समय मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, तुम हमारे शत्रु, तुम अपना बाण चलाओ, मैं अपना चलाऊ, जब तक मैं खड़ा हूँ तब तक मेरे भक्त का तुम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और जब मैं बेहोश हो जाऊंगा तो तुम जो करना है कर देना। भगवान ने मंत्र दे दिया, लड़ाई मेरे जीते, जागती अवस्था में तुम जीत नहीं सकते, अब मैं बेहोश हो जाऊंगा या मेरा ध्यान कहीं और चला जाए तब जो है तुम लड़ाई जीत सकते हो। जैसे ही कहा मेरा ध्यान कहीं और चला जाए, तो भगवान कृष्ण को स्मरण हो आया, भगवान शिव उनके सामने कोई नृत्य करे, निनाद बजा बजा करके नाचे, और सुंदर भाव से भजन गा गा करके भगवान को अपनी ओर आकर्षित करे, तो भगवान उसमें मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उनका ध्यान उसमें लग जाया करता है, सारी दुनिया के चकल्लत से वो मुक्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने अपने बाण से ढेर सारे नटों को प्रकट किया, वो मृदंग वादन करते हुए नृत्य करने लगे, और जिम बड़ी माया का प्रयोग किया, उस माया में वशीभूत होकर के
वो तो बस नृत्य का आनंद लेने लगे, उनके सामने लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और भगवान शिव बस उसी को स्तब्ध खड़े होकर के देख रहे हैं। इधर अपना चक्र सुदर्शन चलाया, चक्र सुदर्शन चला करके 998 भुजाए बाणासुर की काट डाली। चक्र सुदर्शन से 998 भुजाए जब कट गई, बाणासुर देखा अब कुछ रहा ही नहीं मेरे पास में, सब उतर गया, दो ही हाथ बचे। भगवान शिव के पास में दौड़ करके गया, चरण पकड़ लिया, प्रभु आपके सहारे मैं युद्ध भूमि में खड़ा हूँ और मेरे 998 भुजाएं कट गई और ये चक्र पीछा कर रहा है, दो और कटवा देना चाहते हो, रक्षा करो, आपके होते ऐसा हो सकता है? भगवान शिव जागे एकदम से, क्या हुआ बाण? तो बाण बोले, महाराज मेरी दो भुजाएं बची हैं, 998 गई। अच्छा अच्छा रुको रुको, ए भाई कृष्ण रुको, अब अपना चक्र सुदर्शन रोको, अभी ये कह रहा है कि अब लड़ाई नहीं लड़ना है, दो भुजाएं बची हैं, बताओ क्या करना है, अभी लड़ाई करना है कि जो नहीं करना? बाणासुर बोला, अब नहीं लड़ाई करना प्रभु, लड़ाई नहीं करना तो लड़ाई खत्म करो, बेटी का विवाह इनके प्रपोत्र के साथ करो और चलो अपन घर लौट के चलते हैं। बोल शंकर भगवान की। तो अनिरुद्ध का विवाह बाण की पुत्री उषा के साथ में संपन्न हुआ। भगवान शिव वापस आए, उनको स्मरण था कि उस समय मैंने वरदान दिया था, वरदान देकर के भक्त के घर में जाकर निवास करने लगा, भक्त के घर में चला गया, रहने लगा, भक्त ने भगवान से पंगा ले लिया, तो शंकर और नारायण को कृष्ण को आमने सामने युद्ध करना पड़ा, इसीलिए रावण की लंका में भगवान शिव नहीं गए बल्कि लंका छोड़ करके भाग गए, लंका रावण को दे दिया और वो कैलाश पर चले गए। कल कैलाश का प्रसंग चल रहा था कि भगवान शिव कैलाश पर क्यों गए, किसके कारण गए, वही प्रसंग आगे बढ़ाते हुए गतांक से। बोल मन मेरे ओम नमः शिवाय, 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 बोल मन मेरे ओम नमः शिवाय, बोल मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, 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 बोल मन मेरे ओम नमः शिवाय, ओम मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, भज मन मेरे ओम नमः शिवाय, गा मन मेरे ओम नमः शिवाय, गा मन मेरे ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
नमः शिवाय ॐ 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 नमः शिवाय तो दो भुजा बच गई। कई बार मेरे भाई बहन ध्यान रखने वाली बात है, हम लोग बहुत बार कहते हैं ना, हम भगवान का खूब भजन करते हैं, खूब नाम जपते हैं, फिर भी नुकसान हो जाता है, ऐसा होता है ना। कई बार हमसे तो बहुत लोग कह देते हैं, हम तो खूब ही भजन करते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़ी समस्या हो जाती है। मनुष्य के जीवन में होता रहता है, देखने को मिलता भी है कि भगवान का नाम गाने के बावजूद भी परेशानियां पीछा नहीं छोड़ती, समस्याएं लटकी रहती हैं। शिव साथ में है, एक भगवान साथ में है, फिर दूसरे भगवान आए काट पीट कर चले गए। इसलिए भगवान की पूजा करना, अभिषेक करने का मतलब, भगवान का अर्चन करने, वंदन करने का मतलब ये नहीं है कि हमने एक भगवान को पूज लिया अब दूसरे को ढरियाने लग जाएं, हैं? भगवान बड़ा और छोटे का फैसला करने लग जाएं। जितनी ज्यादा भक्ति बढ़े उतनी ज्यादा मन सरल होता है, उतने ज्यादा सुंदर भाव होता है भक्ति बढ़ने से। जो अलग अलग देवता दिख रहे हैं, अलग अलग देवी दिख रही हैं, भक्ति बढ़ती चली जाती है तो सब एक दिखने लग जाते हैं। एक दिखते दिखते मनुष्य में भी भगवान दिखने लग जाता है, जीव में भी भगवान दिखने लग जाता है, हैं? पशु पंछी में, सभी में भगवान दिखने लग जाता है जब भक्ति बढ़ जाती है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवे हस्तिनी च सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने, विद्वान मनुष्य, विद्या से संपन्न, गुणों से संपन्न, बुद्धि से संपन्न, गाय में, हाथी में, चांडाल में, मनुष्य में, कुत्ते में भी भगवान का दर्शन करता है, लेकिन दर्शन करने का भाव होना चाहिए, है ना। अभी कह दिया कि कुत्ते में भी भगवान का दर्शन करो, हाथी में भी भगवान का दर्शन करो, तो दर्शन करो, लेकिन युक्ति से मुक्ति की प्राप्ति होती है। मुझे एक दृष्टांत याद आया। एक बार एक गुरु शिष्य संवाद कर रहे थे। शिष्य ने पूछा, भगवान परमात्मा कहाँ है, उसका वास कहाँ पर है, बताने की कृपा करें। गुरु ने कहा, सब जगह है। बोले, हाथी में भगवान है? बोले, है। मनुष्य में भगवान है? है। सब जगह भगवान है, यत्र जत्र तत्र सर्वत्र, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ भगवान न हो। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्या उपदेश है? गुरु ने कहा, सब में प्रभु का दर्शन करते हुए संसार में विचरण करो, भय करने की आवश्यकता, भय मानने की आवश्यकता नहीं है। जमो जो समग्र में
समस्त में परमात्मा को समष्टि में देखता है, उसे किसी से भय नहीं लगता। शिष्य चल पड़ा तीर्थाटन के लिए। गुरु ने कहा है सब जगह भगवान देखो, यत्र जत्र तत्र सर्वत्र, सभी में भगवान समाया हुआ है, सब जगह भगवान है। अब चेला चला गया, रास्ते में जो भी जाता उसी को नमन कर लेता, इसमें भी भगवान, इसमें भी भगवान, सब जगह भगवान का दर्शन करता जा रहा है। एक दिन वो मार्ग में जा रहा था, रास्ते में सामने से एक हाथी चला आ रहा था। हाथी चला आ रहा था, हाथी पागल था, और पीछे पीछे हाथी का महावत जो हाथी को हांक रहा था वो भी आ रहा था। वो चिल्ला रहा था, हट जाओ, बगल हो जाओ, मेरा हाथी पागल हो गया है। तो इधर जो महाराज जी थे, संत जी, ये जा रहे थे, इन्होंने देखा हाथी आ रहा है, ये हाथी पागल हो गया है। तो पागल हो गया तो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, इस हाथी में भी भगवान है। और महाराज जी चले गए बिल्कुल दबंग की तरह हाथी के सामने। जैसे हाथी के पास पहुंचे भाइयों, हाथी तो पागल था, उसने महाराज जी को सूंड से पकड़ा, उठा के पटक दिया, उठा के पटका महाराज जी को। महाराज जी नए नए साधु थे और गुरु की आज्ञा पर और गुरु के उपदेश पर बड़ा विश्वास था। गिरे जमीन पर, चारों खाने चित्त हो गए, बुद्धि सब, ज्ञान और बुद्धि सब धरा का धरा रह गया, किसी काम के न बचे। कुछ लोग आए, महाराज जी को उठा करके ले गए वैद्य के यहाँ। वैद्य जी से कहा इसको हाथी ने पटक दिया, इसका इलाज करो। वैद्य ने इलाज किया, बोला कोई आपका सगा संबंधी है, कोई रिश्तेदार नातेदार है, हम बुला दूं तुम्हारी सेवा के लिए? बोले कोई नहीं है। नहीं, फिर भी कोई तो होगा। बोले एक है, वही मेरा गुरु है, और खुद बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, तो वो क्या मेरी सेवा करेंगे? बोले बताओ, गुरु का एड्रेस बताओ, मैं आपके गुरु को बुलवा देता हूँ। पता बता दिया गुरु को, संदेशा गया, गुरु महाराज आ गए। गुरु से बड़ा नाराज था चेला, क्यों नाराज हो, अभी गुरु ने चेले से साधना करवाई नहीं, भगवत दर्शन की अनुभूति नहीं करवाया, सीधे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दिया, सब में भगवान का दर्शन करो, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, एको विष्णु महद्भूतेषु पृथक् भूतान अनेक सह, सभी में परमात्मा का दर्शन करो। बेष्टि का परिस्थितियन परिष्कृत करके समष्टि में उस स्वामी का, जगत नारायण का दर्शन करो। तो गुरु के प्रति बड़ा आक्रोश है, गुरु के प्रति बड़ा क्रोध है। इनकी बात में ना आया होता तो आज मेरी गति ऐसी ना होती, मैं बचा होता, सुरक्षित होता, मुझे हाथी ना मारता। नाराज है इसलिए गुरु को बुलाना नहीं चाहते, लेकिन गुरु शिष्य के ऊपर दया करके गया। जा करके देखा तो नाक भी टूटी है, कान भी फूटा है, हाथ भी टूट गए हैं, पैर भी टूट गया है, सभी जगह पट्टियां बंधी हुई, पैर में, पीठ में, दांत में, मुंह में, सब जगह पट्टी बंधी हुई। गुरु ने सिर पर हाथ रखा, मेरा शिष्य ठीक है। चेले को बड़ा गुस्सा आया, उसने हाथ फेंक दिया दूर, हटाओ हाथ, क्या हुआ, ये आपके उपदेश के कारण ये सब पट्टियां दिख रही हैं, आपकी बात मान लिया इसलिए शरीर में पट्टियां हैं, आपकी आज्ञा का पालन किया इसलिए शरीर में पट्टियां हैं। एक दिन एक शिष्य मेरे को भी कह रहा था, मुझे अभी याद आ रहा है, मेरे शरीर में पट्टियां हैं, सब आपके कारण है, आप जाओ यहां से। गुरु ने कहा भैया ये तो बता, तुझे चोट कैसे लगी, तेरी इन पट्टियों का कारण मैं कैसे हुआ? चेले ने कहा कि आपने कहा था ना सब में भगवान देखना, हाथी में, कुत्ते में, घोड़े में, गधे में,
पशु पंछी में सब जगह भगवान का दर्शन करना, सब में भगवान देखना। बोले हाँ कहा तो था, तो आपकी आज्ञा पालन करके मैं सब जगह भगवान देख रहा था। और भगवान देखने का ये दर्शन, दर्शन का फल ये मिला कि आज मेरा सारा अंग व्यंग हो गया, मैं मेरे पास अपना कुछ बचा ही नहीं। बोले अच्छा हाथी ने उठा के पटक दिया, पूरी बात बताओ मुझे घटना कैसे घटी, फिर मैं तुम्हें कोई और मंत्र बताऊं। चेले ने बता दिया, एक पागल हाथी आ रहा था, वो हाथी आया और मेरे को पटक दिया। बोले आधी बात बता रहे, पूरी बताओ। बोले हाँ पागल हाथी आ रहा था, तुम्हें कैसे पता पागल हाथी आ रहा था। बोले पीछे से महावत चिल्ला रहा था, अब बगल हो जाओ बगल हो जाओ, मेरा हाथी पागल हो गया नहीं मार देगा। बोले अच्छा, तो जो महावत चिल्ला रहा था पीछे से बगल हो जाओ मेरा हाथी पागल हो गया है, तो तुमने अपने कानों से सुना। बोले हाँ सुना, फिर भी हाथी के पास चले गए। बोले हाँ फिर भी हाथी के पास गया, और हाथी में भगवान होता तो उसने मुझे पटका क्यों। गुरु ने दिया एक थप्पड़ और, एक तरफ टूटा हुआ है दूसरी तरफ और दिया खींच के, मूर्ख कहीं का, तुझे पागल हाथी में भगवान तो दिख रहा है, और बुद्धिमान मनुष्य जो पीछे से चिल्ला रहा है, पीछे से कह रहा है पागल हो गया हाथी मेरा, रास्ते से हटो जाओ तुम्हें मार देगा, उसमें भगवान नजर नहीं आया। अधिया खींच खींच करके दो तीन फिर और गुरु को दोष लगाता है, गुरु में दोष ढूंढ लिया, अपने में दोष नहीं ढूंढा, खुद के अंदर का दोष प्रकट नहीं किया और गुरु के अंदर दोष ढूंढ लिया कि गुरु ने ऐसा किया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। तो मेरे भाई बहन, उपदेश का मतलब होता है कि उसको पूरा सुनो, पूरा सुन करके फिर हृदयंगम करो। आधे में कहानी बनती नहीं, आधे से तो वो वाली कहानी बन जाती है। कई बार लोग कहते ना गवाधन आधा ही सही, तो आधे आधे से तो कहानी आधी ही अधूरी रह जाती है। गुरु ने समझाया कि पीछे हाथी वाले को भी सुनना चाहिए था वो क्या कह रहा है। यदि हाथी में भगवान है तो हाथी चलाने वाले में कोई दैत्य थोड़ी है, भूत थोड़ी है, उसमें भी भगवान है। इसलिए भगवान सब जगह देखना है तो बुद्धि से, विवेक से, अच्छे चिंतन से, भगवान सब जगह है। लेकिन एक भगवान मुझे कह रहा है कि जो है भैया ये काम मत करना, और एक कह रहा है कर देना, तो उसमें अपने विवेक को लगाना है। भगवान इसमें भी है और भगवान इसमें भी है, लाभ हानि कहाँ है, अपने बुद्धि का उपयोग करना है। बोल साचे दरबार की जय। अलकापति जो कल राजा हुए थे वो ढेर सारे धन के स्वामी बने। ढेर सारे धन के स्वामी बनने पर उन्होंने अपने पुरोहितों से पूछा, मैं राजा क्यों बना। तो कहा कि आपने शिव के शिवालय में देसी घी का दीपक जलवाया, देसी घी का अखंड ज्योत जलवाया, इस करके राजा बने। देवर्षि नारद से कहा, गुरुदेव ऐसा कोई उपाय नहीं है कि मेरा राज अखंड हो जाए, अविचल हो जाए, मेरे राज्य का कभी खंड ही ना हो, ये अखंडित रहे और मैं राजपद पर स्थित रहूं, कोई मुझे यहाँ से हटा ना सके। देखिए स्थिर राज चाहिए, स्थिर सुख चाहिए, स्थिर भोग चाहिए, स्थिर ऐश्वर्य चाहिए, तो भगवान शिव की आराधना करो। हमने कल भी बताया था कि पूरे देश के नेता भिन भिना रहे थे, ये हो गया वो हो गया, और हमारे देश के प्रधानमंत्री केदारखंड में केदारनाथ जी के दरबार में उनकी गुफा में बैठ करके आराधना कर रहे थे। एक नेता, कैसी कैसी सोच होती है, एक नेता कहता है कि देखो तो सही वहाँ पर खिड़की भी लगा हुआ है देखने के लिए, उसको ये नहीं दिख रहा था। बोले यहाँ बैठने के लिए पलंग भी बिछा हुआ है, तो उसको ये नहीं दिख रहा है कि अपना राजसी सुख छोड़ करके वहाँ उस गुफा में जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी, जहाँ इतनी ठंड है, वहाँ जा करके बस भगवान को एक झरोखे में से देख रहा है, उस प्रभु को ही निहार रहा है, उस प्रभु का दर्शन कर रहा है। ये नज़र नहीं आया, ये नज़र आ गया कि वो वहाँ जा करके
एक खिड़की में से देख रहे हैं, खिड़की देख रहे लोग, तो वो तो खिड़की में से भगवान देख रहे थे और वो दूसरे लोग उन खिड़की देख रहे थे। ये भी मजे की बात है, प्रधानमंत्री जी खिड़की में से भगवान देख रहे थे, दूसरे लोग खिड़की देख रहे थे, प्रधानमंत्री को देख रहे थे। तो जो खिड़की में से भगवान को देख रहा था, भगवान ने उसको विशाल दे दिया, पुनः साम्राज्य दे दिया, पूरा भारतवर्ष दे दिया, और जो खिड़की देख रहे थे वाकई में उनको खिड़की दे दिया। जो खिड़की देख रहा था उसको खिड़की दे दिया, और जो खिड़की में से देख रहा था प्रभु को उसको साम्राज्य दे दिया। ये है महाकाल की महिमा, ये है केदारनाथ भगवान की महिमा, ये विश्वनाथ की महिमा। भाई मुझे मुझे किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं, मैं जो किसी की जो है ना बड़ाई बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ। पार्टियाँ तो सब अपना अपना काम करती, उनके अपने अपने एजेंडे होते हैं, लेकिन मेरे कहने का भाव ये है कि जिसने भोले को भजा, उस भोले ने अपने उस भोले भक्त को क्या क्या दे दिया, कहाँ कब निहाल कर दिया, ये भोले ही जानता है। कब कब किसको माला माल कर दिया, ये भोले ही कर सकता है, जानता है, इसको इंसान नहीं जान सकता। इसलिए बुराई ढूंढने की बजाय अपनी राय वो फिर जाने नहीं देगा जब तक तुम बैठे रहोगे। बोलो सांची दरबार की।